ये ब्रिटिश के ज़माने में उन्होंने अपने लिए एक रेस्ट हाउस बनाया था। ये इधर ही हमारे गांव के रास्ते में आता है, पलोडेरा के नाम से मशहूर है। अभी पता नहीं ये बंद है, अंदर से बंद है मेरे ख्याल से, इसका जो बंदा है वो भी नहीं है। अभी इधर कोई है नहीं, हमने बहुत देख लिया, चौकीदार वगैरह नहीं है, वो घर चला गया मेरे ख्याल से। तो हम खुद ही से खोल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। उधर चारपाई भी पड़ी है मेरे ख्याल से, कोई है अंदर? कमो ये मुश्ताक भाई कह रहे कि ये पानसी घाट था पहले ज़माने में, ब्रिटिश के ज़माने में, लेकिन अभी ये बंद है, सारा टूट चुका है ना, कंडरात बने हुए हैं। दाम की सी हाँ ना, एफ सी वाला बदलता हूँ रकम वाक़ 1967 में पाकिस्तान एफ सी जो है ना, फ्रंटियर कॉर्प्स, वो यहाँ पर रहते थे, उनका पूरा यूनिट यहाँ पर होता था इस पुराने बिल्डिंग में। ये एक कमरा तो नया नज़र आ रहा है, ये रीबिल्ड कराया मेरे ख्याल से। अच्छा उधर एक पड़ा है, देखते हैं बोर्ड नीचे पड़ा है, उस पर देखते हैं क्या लिखा है। ये इसका गेट है, ये भी नीचे पड़ा हुआ है, पुराना गेट है इसका, अभी एक वाला तो नया लगा। अच्छा ये तो मरम्मत का कोई लगा हुआ है, ये छोटे छोटे कमरे आप देख सकते हैं। ये सारा ना ईंटों से, ऊपर छत भी ईंटों से बनाया है, मतलब ये नहीं है कि पूरा छत बनाया है जिस तरह आजकल बनते हैं। ये आप देख सकते हैं ईंटें इकट्ठे किए, गोलाई की शेप देके उनसे ये ऊपर छत बनाया है। और कदा बेटा करता हूँ उधर भी, ये बहुत बड़ी है यार। मैं तो कहता हूँ कोई रिबिल्ड कराए, ऐसे पम्प हाउस बना दे यार, बहुत प्यारी जगह है। सामने पहाड़ है और नहर भी जा रहा है। ये इधर एक टावर भी लगा हुआ है, पता नहीं जोंग का है। इधर तो एक कुआं भी नज़र आ रहा है। बहुत गहरा है, ये देख सकते हैं नीचे सीढ़ियां भी जा रही है। दाह पकी सो यार, ये सब बरांडा कौन था? हाँ ये घोड़ों की जगह थी, यहाँ पर वो अपने घोड़े वगैरह रख देते हैं। ये जो पूरा बरांडा है ना, उधर जा रहे हैं उस साइड पे, सफाई मपाई खोई खाई यार, उस बूटी मूटी वगैरह खुली थी ना, बहुत प्यारी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं कहता हूँ बंदा ने इसे रीबिल्ड कराए सही, हुकूमत को चाहिए यार कि इसे रीबिल्ड कराए, हुकूमत की जगह है, और तो कुछ लोग कुछ कर नहीं सकते, तो उनको चाहिए कि ये रीबिल्ड कराए, बहुत प्यारी जगह है, लोग आएंगे इसे देखने आएंगे घूमने। ये एक दरख्त है इसमें बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। हदीस सुनो मैं, हाँ ना ना दादी दाको, अरे वो नहीं नहीं वो नहीं, ये ऐसे पता बढ़ कहते हैं,
पश्तों में से बड़े कहते हैं, बहुत बड़े है यार ये, आप देख सकते हैं ना कसम। और ऊपर ना ये चमगादड़ है सारे इसमें, ऊपर ये जितने भी काले काले नज़र आ रहे हैं ये सारे चमगादड़ है, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर ना गिर जाए। ओ पै ये सारे चमगादड़ है, आप देख सकते हैं पूरा भरा पड़ा हुआ है, जिस तरह किसी दरख्त में फल होते हैं। अब तक अथूरा था ये सारे, आप देख सकते हैं। और ये इसकी वो तना आप देख सकते हैं, मुश्ताक आओ ना हम पूरा कोठा था। और क्या दर्द है, चलो उधर चलते यार, अब वो चमगादड़ ऊपर बैठे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे, पोटी कर रहे, नीचे आ रहे, मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये उसी जमाने का सेफ्टी ग्रिल था। अच्छा ये आप देख सकते हैं सेफ्टी ग्रिल। और ये कौन सी जगह है? ये फार्म हाउस है उनका अपना। अच्छा यहाँ पर वो मतलब कर्नल वगैरह बेड, अच्छा यहाँ पे रहते हैं, बेडरूम वगैरह यही है। ये वॉशरूम नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा ये वॉशरूम है इसका, देख सकते हैं। और इसका कोई पता नहीं, ये लॉक आप देख सकते हैं लकड़ी से बना हुआ है। ये बेडरूम है, नावे ये क्या? अच्छा पानी गिरने के लिए ना इन्होंने ये बनाए, पत्थर से ये बने हुए। और शेर की जो मुंह होती है ना उसकी शेप बनाई है, ये सारे इस पे लगे हुए। ग्रेट यार, ऊपर टैंकी है मेरे ख्याल से। ये इस साइड की आप व्यू भी देख सकते हैं, बहुत लंबी है यार। खोले जेब यार को खराब शो इन। मुश्ताका मैं खुल रहे देखो, बस खराब शवे ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही है, देख सकते हो। ये वो जो पत्थर है जो पहले जमाने में मिस्त्री सिर्फ 3 पत्थर पूरे दिन में बना लेते थे। अच्छा ये वही पत्थर है? ये वही पत्थर है, ये हाथ से बने हुए, सारे हाथ से बने हुए, सारे हाथ से बने हुए। देखो ना बहुत लेवल में आए सारे एक जैसे हैं। ग्रेट यार आप देख सकते हैं। और ये ग्रिल देखो किस तरह मजबूत ग्रिल बनाए, ये रोशनदान नज़र आ रहे हैं मुझे। ये नीचे जो कमरे हैं ना बेडरूम्स हैं उसके रोशनदान। ये ऊपर एक और साइड है, वो भी उस साइड जा रही है ऊपर। और ये पानी, हाँ अच्छा पानी की टैंकी है, ये भी बनी हुई है पुराने अलग थे। अच्छा ये भी बनी हुई है, ये टैंकी तो भी बनी हुई है। अच्छा ये देखो यार ये सिस्टम चेक का, ये भी बनी हुई है अभी बनी हुई, ये भी बनी हुई यार मुझे तो पुराने लग रहे। ये वो शेर की दाढ़,
यहाँ से पानी जाता है इसमें। अच्छा, इधर से पानी, हाँ जब बारिश की पानी जो होते हैं ना वो उसमें नीचे जाते थे। हाँ मुश्ताक भाई कह रहे हैं कि ये चमगादड़ उड़ गए ना दरख्त से तो बाद में ये बहुत तंग कर देते हैं जब अंधेरा हो जाता है, तो हमारे लिए इसमें खैर है कि हम निकल जाए यहाँ से, क्योंकि डरावना जगह है, कोई आसपास कोई घर भी नहीं है। पास लिखा है मन, बस ऊपर से जाके एक शॉट ले लेता हूँ फिर निकलते हैं यहाँ से। ऊपर कुछ भी नहीं, ये इसका छत है, ये जो पूरा दरख्त है इधर से नज़र आ रहे थे। बोले आग भाई कह रहे हैं कि चलो निकलते रहे, ये इस साइड पे आप देख सकते हैं उधर भी एक दरख्त है। दादी बोले रापा सीधा खुला वक्ती दे, हाँ ना उधर कुल जेह देता ना यार कुछ समझी, हाँ वे वो सही कड़े वा ना बे पर दोबारा सही कड़े वा क्या ना। कैमरा थोड़ी अपनी तरफ भी कर लूं कि आपको भी पता चले कि हाँ सोहेब भाई आया है कवर करने। ये आप देख सकते हैं ये ब्लर सिस्टम लगा हुआ है सब, और ये बंद कर दो कैमरे में ऑप्शन है ना, वो बैकग्राउंड डिफोकस क्लियर कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं बस निकल रहे यार आप, क्योंकि कोई पता नहीं ये चमगादड़ कब भी उठ सकते हैं, फिर हमारी खैर ही नहीं है। अच्छा सही है, इधर लॉक लगा लूँ क्योंकि ये मैंने खोला था, कोई है ही नहीं यहाँ पर तो, और आसपास कोई घर वगैरह भी नहीं है, तो अच्छा है कि मैं ही बंद कर लूँ कोई मसला ना हो, लॉक कर दिया। ओके बस निकलते, इधर एक और दरख्त भी है ये भी आपको दिखा दूँ, इसमें भी सारे यही चीज़ें हैं, सारे चमगादड़ों से भरा हुआ है। ओ जितने भी ये काले नज़र आ रहे हैं ना सारे चमगादड़ है।